भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक द्वारा क्षेत्रीय हिंदू समाज संगठन के बैनर तले पिछले 10 वर्षों से 1 जनवरी 2010 से 29 जून 2021 तक जो भी राशन कार्ड एवं आधार कार्ड ग्राम पंचायत नगर पालिका आदि के वार्डों में बने राशन कार्ड व आधार कार्ड की सूची और उनकी जांच को लेकर अनुविभागीय अधिकारी गोहरगंज अनिल जैन को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में औद्योगिक नगरी मणिदीप में 2 नाइजीरियन युवकों को फर्जी वीज़ा बनवा कर रहते हुए मणिदीप पुलिस ने पकड़ा था, जिनको न्यायालय में पेश कर उन्हें 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। उसी मामले में 24 लोग फरार चल रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक द्वारा ग्राम पंचायत अमोदा, गौहरगंज, न्यायपुरा, सोडरपुर, मुरारी, अंबाई, मेंदुआ सहित 36 ग्राम पंचायतों एवं मणिदीप नगर पालिका, नगर पंचायत अब्दुल्लागंज एवं नगर पंचायत सुल्तानपुर बने नए आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की सूची 30 दिनों में देने की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हमें सूचना है कि घुसपैठियों के बड़ी संख्या में राशन कार्ड का आधार कार्ड बनाए गए हैं, इनमें गलत कार्ड बनाने वाले शासकीय कर्मचारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो। ज्ञापन में लिखा गया है कि इन घुसपैठियों से हमारी सुरक्षा, समाज व देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। कार्यालय से फर्जी वीजा बनवाकर मंडीदीप में रह रहे थे, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने गिरफ्तार किया, न्यायालय ने उनको तुरंत सजा भी देने का काम किया है। हमारा साफ तौर पर मानना है कि आगे से जो भी राशन कार्ड बनाया जाए, आधार कार्ड बनाया जाए, उनकी समुचित जांच की जाए। अगर कोई कर्मचारी, कार्ड बनाने वाला व्यक्ति उनकी जांच नहीं करता है तो वह देशद्रोह करता है। SDM गोहरगंज को एक ज्ञापन दिया है जिसमें गोहरगंज तहसील की लगभग 36 ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। मंडीदीप नगर पालिका, अब्दुल्लागंज और सुल्तानपुर नगर पंचायत के लगभग 16 वार्डों का उल्लेख है, जिनमें 1 जनवरी 2010 से लेकर आज तक हमने जितने राशन कार्ड नए बने हैं, नवीन बने हैं, आधार कार्ड नए बने हैं, नवीन बने हैं, उनकी जानकारी मांगी है। और जानकारी मांगने के पीछे हमारे पास पर्याप्त सूचना है कि उन सभी पंचायतों में, वार्डों में कहीं ना कहीं बाहरी घुसपैठियों के भी राशन कार्ड या आधार कार्ड बन गए हैं। वो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सहूलियतें और लाभ लेने लगे हैं। हमने प्रशासन से 1 माह में सारी सूची बनाकर उन पंचायतों, उन वार्डों की जांच की भी मांग की है और उनसे आग्रह किया है कि वह सूची हमें भी दें। अगर नागरिक पुराना है तो कहीं ना कहीं उसका संपर्क होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, उसका बेटा कहीं पढ़ा होगा, पंचायत के लोग ये कथन देंगे कि भाई ये 50 साल से है, 100 साल से है। और अगर नया है तो स्थानीय निवासी बताएंगे कि ये व्यक्ति अभी आकर बसा है। हमने SDM गोहरगंज को यही कहा है, सूची बनाए, ऐसे राशन कार्ड और आधार कार्ड जिन कर्मचारियों ने बनाए हैं उन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, बगैर जांच के बनाए। भारत एक देश है, धर्मशाला या सराय नहीं है कि कोई भी विदेशी घुसपैठिया आकर कहीं भी पनाह पा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर सख्त आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं और नौकरी से बर्खास्त करने का एक प्रस्ताव भेजें। दूसरी बात, हमने स्थानीय निवासियों से भी अपील की है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कि अगर उनके द्वारा किसी बाहरी का किसी भी प्रकार का राशन कार्ड बनाने में मदद की गई है तो उन्होंने भी देशद्रोही होने का काम किया है, वो भी देशद्रोही की श्रेणी में ही आते हैं। और आइंदा प्रशासन इस बात का ध्यान रखे आज से कि जो भी राशन कार्ड या आधार कार्ड जिनसे भारत की नागरिकता प्रमाणित होती है समुचित जांच करने के उपरांत ही बनाए, अन्यथा अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कार्रवाई तो होगी ही होगी। ऐसे घुसपैठियों को वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग समाज के लोग, असंख्य हिंदू समाज है हमारा, खदेड़ने का काम करेंगे। 140 करोड़ जनता में से जो 107 करोड़ का समाज है वो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज बिल्कुल भोजपुर क्षेत्र का भी यह आवाज़ लगाता है कि मेरा क्षेत्र भारत का एक अंग है, कोई धर्मशाला या सराय नहीं है कि कोई विदेशी आके यहाँ शरण पा जाएगा या कोई स्थानीय नागरिक उसको शरण दे देगा। स्थानीय नागरिकों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो यहाँ पर शरण देने का काम कर रहे हैं, उनके भी हम टीन टपारे उड़ाना जानते हैं, वो भी तैयार रहे। भाई साहब, ये घुसपैठिए जिनको आप बता रहे हैं ये कौन है और कहाँ से आए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? घुसपैठिए बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, जो इस समय भारत की सीमाओं में घुसकर
स्थानीय लोगों की मदद से इधर उधर बसाए जा रहे हैं। मैं सबको फिर से बोल रहा हूँ, ये देश है, यहाँ पे नियम है, कायदे हैं, संविधान है, सबको उससे चलना होगा। लगभग कितने घुसपैठिए हैं जो आए होंगे? प्रशासन सूची देगा, हमारे पास पुख्ता जानकारियाँ हैं, हमने जिन स्थानों को चिन्हित करके नाम दिया है उनकी सूची आएंगी, जांच वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। हर गांव में हिंदू समाज है, वो बताएगा कि यह व्यक्ति कितने साल से कितने महीने से इस ग्राम पंचायत में या इस वार्ड में रह रहा है। और निश्चित मानिए, जिन्होंने लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई होगी, और जो लोग ऐसे लोगों को बसा रहे हैं उन पर भी हम कार्रवाई करवाएंगे। जैसे कि जो घुसपैठियाँ भाई साहब, क्या ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं? ये देश उन्हीं लोगों का है जो भारत के नागरिक हैं, परंपरागत रूप से यहाँ रह रहे हैं, ये संसाधन उन्हीं के हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, जो परंपरागत रूप से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपने धर्मावलंबियों को, विदेशी लोगों को भारत में बुलाने का, बसाने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर वह देशद्रोही है, वो गद्दार है, और इसे गद्दारों की सज़ा क्या होना चाहिए हमारे संविधान में लिखा है।